अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐसी औरत के बारे में सवाल आया है जो सोम सलात की पाबंदी पर जहन्नमी ठहरी, और ये क्या वजह हुई कि उसने इतनी इबादत की और फिर भी जहन्नम की हकदार ठहरी। तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ इसी रिवायत में एक और तफसील एक और औरत के बारे में आती है कि जो जन्नती ठहरी लेकिन वो इतनी ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ती थी, तो लोगों को मुगालता जो एक लगा है उस पर बात करेंगे। वो कहते हैं कि बेनमाजी जन्नत में जा रही है और नमाज पढ़ने वाली जहन्नम में जा रही है, ये क्या बात हुई। दरअसल उनको रिवायत सही पहुंची नहीं है या उन्होंने सही समझा नहीं है, इसलिए पहले रिवायत आपको पहले पूरी बताता हूँ फिर उसके बाद बात भी समझाता हूँ। ये रिवायत दरअसल सही इब्ने हिब्बान में आती है, हदीस नंबर 5764। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, फलां औरत का जिक्र होता है कि वो दिन में बहुत ज़्यादा रोज़े रखती है और रात में तहज्जुद पढ़ती है, यानी वो नवाफिल की कसरत करती है। फ़राइज़ की बात नहीं हो रही है, फ़राइज़ तो सब पढ़ते थे, नवाफिल की कसरत करती है, नफली रोज़े रखती है, रात को तहज्जुद पढ़ती है, मगर अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो औरत जहन्नमी है, कि हुकूकुल्लाह तो अदा करती है पर हुकूकुल इबाद नहीं अदा करती। हुकूकुल इबाद ना अदा करने की वजह से उसकी ये नेकियाँ उसके पड़ोसियों को दे दी जाएंगी क़यामत के दिन, जिनका हक उसने मारा है, जिनको उसने तकलीफ़ दी, ईज़ा दी है, तो नेकियाँ उसकी जो जायद नेकियाँ उनमें कमी हो जाएगी, उसकी वजह से फिर वो जहन्नम में अपना टाइम सर्व करके फिर उसके बाद जन्नत में आएगी। और दूसरी तरफ इसी रिवायत में एक और औरत का जिक्र मिलता है कि कहा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, फलां औरत का जिक्र के उसके सोम सलात में किल्लत है, यानी किल्लत से मुराद ये है कि वो फ़राइज़ अदा करती है, वाजिबात अदा करती है लेकिन जायद नहीं रखती, यानी कि कोई नफली रोज़े बहुत ज़्यादा नहीं है उसके पास, उसके पास तहज्जुद गुजारी नहीं है, ये नहीं है कि नमाज ही नहीं पढ़ती। क्योंकि सवाल जिस भाई ने पूछा है उनको मुगालता ये लगा, उन्होंने कहा जी नमाज ही नहीं पढ़ती और बेनमाजी जा रहा है जन्नत में और नमाज पढ़ने, यहाँ पे फ़राइज़ की बात ही नहीं हो रही, वाजिबात और सुनन की बात नहीं हो रही, जायद इबादात की बात हो रही, इसलिए बात को समझे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई किल्लत सोम व सलात का मतलब ये है कि जायद उसके पास इबादात नहीं है, लेकिन उसका अमल ये है कि पनीर के टुकड़े खैरात करती है और अपने पड़ोसियों को भी तंग नहीं करती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नती है, यानी कि हुकूकुल्लाह भी अदा कर रही है, हुकूकुल इबाद भी अदा कर रही है, और सिर्फ हुकूकुल इबाद पड़ोसियों तक महदूद नहीं है, उस हुकूकुल इबाद में सदकात व खैरात भी शामिल है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो यहाँ पर हमें अक्स करने के लिए जो चीज़ है वो ये है कि एक तरफ तो पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ नेक मामला रखना, ऐसा भी ना हो ना कि आप नमाज़ें ही ना पढ़ रहे हों और खैर कार खैर में लगे हुए हों, ये भी गलत है, या नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं जायद इबादात भी कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह में ओ दर्जा कमाल को पहुंच रहे हैं लेकिन हुकूकुल इबाद में बिल्कुल ज़ीरो हैं। बैलेंस करके चलना है, मकसद यहाँ पर बैलेंस है कि आपने लाइफ में बैलेंस रखना है, इसकी तरफ यहाँ पे तवज्जो दिलाई जा रही है। एक तरीके से अच्छा है कि लोग सवाल पूछ लेते हैं तो जहन की उलझनें दूर हो जाती हैं, और कभी कभी ये होता है ना कि हदीस बयान की जाती है लोग उसको कुछ और ही समझ लेते हैं, वो और समझ के फिर जब आपस में डिस्कशन शुरू करते हैं तो बात क्या की क्या हो जाती है। तो इसलिए उम्दा सलूक अच्छा बर्ताव आपने रखना है उन लोगों के साथ जिनके साथ आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं, और अपने अंदर की सफाई भी करते रहना है और साथ साथ इबादत में मेहनत भी करनी है और अपनी जान की भी का भी ख्याल रखना है। तीनों चीज़ें साथ लेके रखनी है, अपनी जान का भी आप पे हक है, अल्लाह का भी आप पे हक है, और अल्लाह के बंदों का हुकूकुल इबाद अल्लाह की मखलूक का भी आप पे हक है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें तौफीक अता फरमाए कि हम सारे मामलात जो है वो सही तौर पर लेकर चलते रहें, और जहाँ कहीं कोई भूल चूक हो जाए अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद क़ादरी।